हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंटिंग। मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे सीएचएसएल 2018 9 मार्च के जो जीके के क्वेश्चंस हैं। मैंने ऑलमोस्ट कलेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ हैं जो मिस हो गए हैं, वो मैं इन फ्यूचर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिमिलर क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन रिपीट बहुत सारे हो रहे हैं और मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज टू मेक विनेजर, जो विनेजर है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो उसको बनाने के लिए एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, जो गिर फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है? वो है गुजरात में। किनेवर इज और ऑफ, जो किनेवर है उसमें कौन सा तत्व मिला तत्व होता है? उसमें होता है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया, जो सबसे बड़ा डिजर्ट है एशिया का वो कौन सा है? वो है सबसे बड़ा गोबी डिजर्ट, जो कि चाइना पड़ता है, नॉर्थ चाइना और साउथ मंगोलिया, इसके बीच में पड़ता है गोबी डिजर्ट, जो कि सबसे बड़ा एशिया का डिजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बाबर वाज बोर्न, बाबर का भी क्वेश्चन आया था रिसेंटली एक दो दिन पहले, तो वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ली है, वो कब बोर्न हुए थे, तो वो बोर्न हुए थे 14 फरवरी 1483 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून इज कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो देहरादून है, ये इतना इजी क्वेश्चन आया। देहरादून कैपिटल किसका कैपिटल है? ये उत्तराखंड का कैपिटल है। तो कैपिटल सब याद कर लीजिए, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं 29 स्टेट हैं, सबकी कैपिटल याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक, सॉरी द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक, ऐसी कौन सी सिटी है जिसने फर्स्ट टाइम समर ओलंपिक होस्ट किया? तो वो सिटी है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध जनरली परचेज इन विच लैंग्वेज, जो बुद्ध है भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो कहाँ, मतलब किस लैंग्वेज में देते? उन्होंने दिए थे पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका वाज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, जो अशोका है वो किस डायनेस्टी के राजा थे? वो थे मौर्य वंश के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड विनर इन 2001, तो जो 2001 में विनर बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी, वो कौन थी? वो थी अगवानो डेरगो, जो कि नाइजीरियन थी। तो ये क्वेश्चन अभी आया है, तो अभी रिसेंटली जो 2017 में विनर बनी है उनका भी याद कर लीजिए, मैंने उनका भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, मिस वर्ल्ड विनर इन 2017। तो ये मतलब ये बनी थी मानसी चिल्लर, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो करती हैं बिलोंग रोहतक, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं है, जो क्वेश्चन ये आया था मिस वर्ल्ड विनर इन 2001 ये क्वेश्चन आया था, और जो मैंने 2017 का वो मैंने ऐड कर दिया है, ये आया नहीं है इसके अंदर, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको भी याद कर लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और अभी भी कुछ पूछा गया 2-4 दिन पहले भी, और ये CAGL में भी कई बार पूछा गया है। इसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, वारन होस्टिंग थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे कहाँ के, बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारू के अंदर पूछा गया था एम से मतलब क्या है इसका, बीमारू के अंदर एम से क्या मतलब है? तो एम का मतलब मध्य प्रदेश होता है। बीमारू एक समूह है जो कि जो गरीबी, मतलब जो होता है गरीबी सिटी, गरीबी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सारे स्टेट आते हैं इसमें। बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे बीमारू के मीनिंग है। तो जो एम का मीनिंग था वो था मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वही पूछ रहे हैं जो ABBR होती हैं, तो उनके अंदर जो भी कोई वर्ड ले लेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर लेके और उसके स्टैंड फॉर पूछ लेंगे, उसके फुल फॉर्म क्या है, मतलब उससे क्या बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड इज फोल्क डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट, जो कुड फोल्क डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है? जो कुड फोल्क डांस है ये करता है जम्मू कश्मीर का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन नोबेल पीस प्राइज इन 2014, तो 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो किसे किसे मिला था? वो मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जाई को। इन्होंने क्या करता, जो चिल्ड्रंस होते हैं, यंग होते हैं, उनकी एजुकेशन के राइट के लिए लड़े थे, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और किसे मिला था? मलाला यूसुफजाई। हु प्लेड द लीड कैरेक्टर इन द मूवी बैंडिट क्वीन, जो बैंडिट क्वीन के अंदर जो मैन कैरेक्टर प्ले किया था वो किसने किया था? वो क्या था? सीमा विश्वास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूट बाय, तो इसके अंदर क्या पूछा गया? इसके अंदर पूछा गया अर्थ का जो क्रस्ट होता है, जो धरती की परत होती है ना, तो उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? मैन तत्व बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर, लेकिन उसमें जो मैन तत्व सबसे ज़्यादा वो कौन सा पाया जाता है? वो होता है ऑक्सीजन।
मैनली तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। होते तो और भी सारे हैं उसके अंदर, लेकिन मैनली कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इंटू फोर्स ऑन विच डेट? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो कब लागू हुआ था, कब आया था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आई टू हेड ए लव स्टोरी? जो ये बुक है आई टू हेड ए लव स्टोरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रविंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? दोस्तों ये पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, तो ये क्वेश्चन आया था, इनमें से हिंदी इंग्लिश कोई भी आप टिक कर सकते हैं। अगर एक ऑप्शन में अगर एक दिया हो हिंदी या इंग्लिश दिया हो, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों दे रखा हो तो उसको भी टिक कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन मिले मुझे अभी तक, और कोई क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं। तो ये क्वेश्चन, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये चीज़ जैसे बीमारू टाइप के जो क्वेश्चन आए, इस टाइप के जो क्वेश्चन जितने भी, इनको आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। फुल फॉर्म आपको सबकी पता होनी चाहिए, ताकि आप उसका अच्छे से आंसर दे सको। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी और को फ़ायदा पहुँच सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाकर, घंटे के बटन को भी दबाएं, क्योंकि जो भी मैं भी अनफिशियल वीडियो डालूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो में कुछ करेक्शन लगे या कुछ आपको पूछना हो या कुछ बताना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, जो अभी क्वेश्चन एग्जाम चल रहे हैं, जो भी दोस्त एग्जाम दे के आते हैं, वो अपने क्वेश्चन जिसके पास भी हो, जिससे भी जितने बनते हैं, वो अपने कमेंट में डाल दिया करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।